अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं यास्मीन सुल्ताना, आइए देखते हैं आज की अहम खबर। उसे मोहर्रम और ग्यारहवीं शरीफ के लिए दिया जा रहा था, लेकिन 2017 में जब ग्यारहवीं शरीफ के लिए मांगा गया तो बहाने बनाकर देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन 2017 में ही ये हाथी मोहर्रम और बोनाल में दिया गया और ये अगले साल भी दोहराया गया, जिसकी वजह से हज़रत गौसे आज़म वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मूसा खान ने तब हाईकोर्ट में अपील की। तब हाईकोर्ट ने हाथी किसी को भी देने से इनकार करते हुए हाथी को बैन कर दिया। तब हाईकोर्ट ने हाथी किसी को भी देने से इनकार करते हुए हाथी को बैन कर दिया। अल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व असहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कुतुब, या गौसे आज़म, या वली रोशन ज़मीर, बंदा अम दर मानदा अम जस्तो नदार दस्तगीर, बरदर दरगाह वाला साहिलम आफ्ताब, खातिर ना शाद राकुम शाद या पीरानी की, अलमदद या गौसे आज़म दस्तगीर रजी अल्लाह ताला। मैं हज़रत गौसे आज़म वेलफेयर सोसाइटी का ऑर्गेनाइज़र कम प्रेसिडेंट मूसा खान खादरी बात कर रहा हूँ। ईरानी गली मैं अरसे दराज से कदीम नशान मुबारक हज़रत महबूब सुबहानी खुदब रब्बानी शेख अब्दुल खादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का छिले मुबारक है, वहाँ हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नशान मुबारक इस्तादा है। हर साल हाथी पर नशान मुबारक बरामद होता है हज़रत पीरान पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। यूँ तो 44 साल से मेरे बड़े करते आ रहे हैं, लेकिन अंडर माई सुपरवाइजन, मेरे सुपरविज़न में करीबन 1993 से लेकर 2000। आगे देखते रहिए गोल्डन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस मुद्दे पर क्या फैसला करेंगे।